दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक को कौन नहीं जानता है। दोस्तों ट्राइडेंट एक ऐसा पेनी स्टॉक हुआ करता था जिसका स्टार्टिंग में प्राइस करीबन 50 पैसे के आसपास हुआ करता था। 50 पैसे से बढ़कर इस स्टॉक का प्राइस 40 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। और दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक करीबन ऑल टाइम में अगर देखा जाए तो 7,870% का रिटर्न दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बहुत ही बेहतरीन पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसका प्राइस 1 रुपए से भी कम है और दोस्तों उसका फंडामेंटल जो है वो ट्राइडेंट से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। आप उस स्टॉक को ट्राइडेंट का बाप कह सकते हैं जो कि दोस्तों आपको मिल रहा है मात्र 1 रुपए से भी कम में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक के दोस्तों इसका प्राइस आप 90 पैसे के आसपास देख सकते हैं और दोस्तों यहां पर रिटर्न की बात करें तो आप एक साल में देख सकते हैं 328% का यहां पर आप तेजी देख सकते हैं। और दोस्तों इस स्टॉक का क्या नाम है वो भी हम आपको बताएंगे और राकेश झुंझुनवाला कौन से स्टॉक को खरीदे वो भी हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो इस स्टॉक का क्या नाम है वो मिस कर देंगे और राकेश झुंझुनवाला कौन से स्टॉक को खरीदे वो भी मिस कर देंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप करें, वीडियो तो बहुत ही छोटा होता है तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करें पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में आप देख सकते हैं 190% का यहां पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा और 1 महीने की बात करें तो 73% का यहां पर आप तेजी देख सकते हैं। ये सब छोड़िए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों इसका फंडामेंटल जो है ट्राइडेंट से करीबन 10 गुना से भी ज्यादा अच्छा है वो भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक के पीई रेशियो की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 25 इसका पी रेशियो है और दोस्तों यहां पर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 158 रुपए का है। मतलब कि आप सोच सकते हैं स्टॉक का प्राइस कितना था, बहुत ही कम था, 1 रुपए से भी कम, लेकिन स्टॉक का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 158 रुपए के आसपास यहां पर है। और दोस्तों डिविडेंड जो है कंपनी 0.89% पे करती है और दोस्तों ट्राइडेंट तो बहुत ही कम पे करती है। और दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें आरओसीई की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 26% के आसपास है जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 34% के आसपास है जो कि दोस्तों मतलब कि बहुत ज्यादा होता है, मतलब 20-25% बहुत ज्यादा होता है। यहां पर देखिए तो आपको 34% देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का इसका फेस वैल्यू है। और दोस्तों यहां पर सबसे पहले कंपनी के प्रोस की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी जो है गुड क्वार्टरली रिजल्ट पे करती है। मतलब कि अगर देखा जाए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल का अगर सीएजीआर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर 56% का यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मतलब 5 साल का सीएजीआर 56% आप सोच सकते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। और जो है दोस्तों कंपनी जो डिविडेंड जो है बहुत ही अच्छा पे करती है। यहां पर देखिए डिविडेंड का मेंटेनिंग हेल्थ जो है पेआउट जो है 27% का है जो कि दोस्तों मतलब कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो चलिए दोस्तों यहां पर सेल्स की बात कर लेते हैं तो आप 2016 में देख सकते हैं 451 के आसपास हुआ करता था और दोस्तों यहां पर देखिए 400 से बढ़कर फिर 400, फिर यहां पर देखिए 700, फिर 700 और अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 1200 के आसपास हो चुका है। मतलब कि कंपनी का यहां पर आप देखें तो सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा जो कि दोस्तों मतलब कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी अपना जो है सेल्स बढ़ा रही है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर कंपनी अपना सेल्स बढ़ाती है। और दोस्तों यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो पहले 90 के आसपास हुआ करता था और अभी देखा जाए तो अभी यहां पर देखिए मतलब 2020 में 183 के आसपास हुआ करता था और यही 2021 में अगर देखा जाए तो 4 टाइम बढ़ गया, 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। अब आप सोच सकते हैं मतलब कि बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों यहां नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी यहां पर आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। यहां पर भी देखिए तो नेट प्रॉफिट में भी आपको 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। 2020 में 82 के आसपास हुआ करता था और 2021 में देखा जाए तो 295 के आसपास हो चुका है। मतलब कि इतना अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों यहां पर कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो पहले 25%, फिर 31%, फिर 91%, फिर यहां पर देखा जाए तो 35% के आसपास हो चुका है। मतलब कंपनी का डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है इस स्टॉक में इसका रिजर्व, यहां पर देखिए 2016 में आपको देखने को मिल रहा होगा 355 के आसपास और दोस्तों अभी अगर देखा जाए करंट में सितंबर 2021 में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको कितना 1223 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले कितना हुआ करता था करीबन 355 के आसपास, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 1223 के आसपास हो चुका है। मतलब कि जो कि बहुत ही अच्छा है। इसी स्टॉक के फंडामेंटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस स्टॉक का क्या नाम है वो भी हम आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करें देखें। दोस्तों अभी हम आपको इससे मतलब अगले स्टॉक के बारे में बताएंगे, उसका फंडामेंटल जो इससे करीबन 1,00,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्टॉक को मिस मत कीजिए। और दोस्तों उस स्टॉक में जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है 20-25 साल में, वैसा अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार बनता है।
बनता है, तो इसीलिए उसको मिस मत कीजिएगा। उसका नाम भी हम आपको बताएंगे, इसका भी नाम बताएंगे दोस्तों, सबका आपके लिए लिस्ट तैयार करके रखे हैं। वो लिस्ट जो है हम आपको वीडियो में कभी भी आपको दिखा देंगे। इसीलिए सभी स्टॉक का पहले फंडामेंटल देखिए, उसके बाद दोस्तों उसका नाम भी आपको पता चल जाएगा। आपसे एक फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आप स्टॉक का क्या नाम है वो मिस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हम लिस्ट वाइज आपको दिखा देंगे, पहले नंबर का स्टॉक, दूसरे नंबर का क्या नाम था, तीसरे नंबर का क्या नाम था। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें। अगला जो स्टॉक है दोस्तों, इसका प्राइस आप मात्र ₹1 के आसपास देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर रिटर्न देखा जाए तो ट्राइडेंट के आसपास यहां पर आप तेजी देख सकते हैं। इस स्टॉक में भी ट्राइडेंट में जितना तेजी आपको देखने को मिल रहा था, उतना ही इस स्टॉक में भी आप तेजी देख सकते हैं। 426% का यहां पर आपको एक साल में तेजी देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों इस स्टॉक में जो अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो 20-25 साल में, मतलब एक ही बार बनता है। और दोस्तों बहुत सारी न्यूज में ये आ रहा है कि इस स्टॉक को राकेश झुंझुनवाला भी खरीदे हैं, क्या वो सच है, वो भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर 6 महीने का रिटर्न देखा जाए तो 6 महीने में आप देख सकते हैं 194% का आपको तेजी देखने को मिल रहा होगा। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 75% का आप यहां पर तेजी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 5 दिन की बात करें तो 19% का तेजी देख सकते हैं, और 1 दिन की बात करें तो 4% का तेजी देख सकते हैं। मतलब कि ये स्टॉक देखा जाए तो पूरी तरीके से अप ट्रेंड में, मतलब कि लोगों को खरीदने नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बायर्स, मतलब बहुत ही अच्छा बायर्स है। तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक के फंडामेंटल को देख लेते हैं। फंडामेंटल भी हम आपको बताएं, इससे पहले जो स्टॉक के बारे में बताए थे उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, तो वो भी हम आपको प्रूफ के साथ चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 6 है, जो कि दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 6 है। और बुक वैल्यू की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कम देख सकते हैं, ₹52 के आसपास इसका बुक वैल्यू है। और डिविडेंड जो है 0.54% का यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ROCE अगर देखा जाए तो 86% का है। अब आप सोच सकते हैं मतलब उससे तो बहुत ही अच्छा है। और ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 64% का यहां पर आप देख सकते हैं। मतलब कि 64% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज्यादा होता है, 20-25% ही बहुत होता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 64% का आपको देखने को मिल रहा होगा। और फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 का इसका फेस वैल्यू है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के प्रोस की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आप इस स्टॉक को ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। और जो कंपनी है जो दोस्तों वो गुड क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा पे करती है। और दोस्तों यहां पर कंपनी का मतलब CAGR देखा जाए, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो 5 साल का आप CAGR ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं 82% के आसपास है, जो कि दोस्तों मतलब कि बहुत ही अच्छा है। और जो दोस्तों कंपनी जो है गुड रिटर्न ऑन इक्विटी पे करती है। अगर दोस्तों यहां पर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आप देख सकते हैं 39% के आसपास है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों जो चीज मुझे इस स्टॉक में सबसे अच्छा लगता है वो है इसका सेल्स। यहां पर देखा जाए पहले 313 के आसपास हुआ करता था 2010 में, और दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो अभी देख सकते हैं 1200 के आसपास हो चुका है, मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा यहां पर आपको सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो पहले 79 के आसपास हुआ करता था, और अभी देखा जाए तो यहां पर 447 के आसपास देख सकते हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बहुत ही अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों यहां पर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 47 के आसपास हुआ करता था, फिर 67, फिर 333 के आसपास यहां पर नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखा जाए तो पहले 18%, फिर 12%, फिर यहां पर 5% के आसपास, मतलब कि पहले के मुकाबले। पहले यहां पर देखा जाए तो दोस्तों मतलब कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखिए 152% के आसपास यहां पर था, यहां पर देखे तो 140% के आसपास, फिर यहां पर देखे तो 112% के आसपास। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो दोस्तों ये अभी डिविडेंड जो है कम पे करती है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। और इस स्टॉक में भी जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है उससे डेली इस स्टॉक में 20-30% का अपर सर्किट लगेगा, तो वो भी मिस मत कीजिएगा। अगर दोस्तों यहां पर रिजर्व की बात करें तो पहले देख सकते हैं 183 के आसपास हुआ करता था, और अभी अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं 664 के आसपास हो चुका है। मतलब कि 2020 में यहां पर देखे तो 340 के आसपास हुआ करता था, 2021 में देखे तो 664 के आसपास हो चुका है। मतलब कि यहां पर रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व में मतलब दोगुना का अंतर हो चुका है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जो अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगा इस स्टॉक में वही कि कंपनी का रिजर्व जो है बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों इस स्टॉक का भी फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अगला जो स्टॉक है इस स्टॉक का क्या नाम है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगला जो स्टॉक है उसके बारे में जानिए। हम आपको फिर बोल रहे हैं कि स्टॉक का लिस्ट हम आपको कभी भी दिखाएंगे, और अभी बहुत ही जल्द आपको स्टॉक का लिस्ट भी दिखाने वाले हैं, तो इसीलिए आप मिस मत कीजिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आप मतलब यहां तक देखने का कोई मतलब ही नहीं है, सब आप बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो इसका प्राइस आप ₹1.02 के आसपास देख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर रिटर्न देखा जाए तो आप देख सकते हैं 117% का आप तेजी देख सकते हैं। ये सब छोड़िए, इसमें एक चीज आपको हिडन चीज दिखाते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाएं तो ये देखिए, इस स्टॉक का स्टार्टिंग में प्राइस करीबन ₹115 के आसपास हुआ करता था। ₹115 से बढ़कर इस स्टॉक का प्राइस यहां पर देखें तो ₹1000 के आसपास चला गया था, ₹1100 के आसपास चला गया था, और अभी यही ₹1100 का शेयर आपको मिल रहा है ₹1 में। और दोस्तों इस स्टॉक का फंडामेंटल देखकर आप हैरान हो जाएंगे, तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी अगर स्टॉक का पी रेशियो देखा जाए तो 31 के आसपास है, जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों बुक वैल्यू देखा जाए तो ₹23 का इसका बुक वैल्यू है।
और दोस्तों कंपनी जो डिविडेंड है 0.18% का पे करती है, और रिटर्न ROCE की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 27% के आसपास, और ROE की बात किया जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 28% का यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के प्रोस की बात कर लेते हैं, तो कंपनी जो गुड क्वार्टरली रिजल्ट पे करती है, और कंपनी का मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है, अगर 5 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड, 5 साल का अगर CAGR देखा जाए तो आप देख सकते हैं 144% का देख सकते हैं, जो कि दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों यहां पर कंपनी का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए, अगर 3 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का 29% है, जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों यहां पर कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2010 में आप देख सकते हैं 84 के आसपास हुआ करता था, और अभी अगर देखा जाए तो 435 के आसपास हो चुका है 2021 में, जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा बढ़ चुका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो पहले 15 हुआ करता था, फिर 24, फिर 16, फिर यहां पर देखें तो 33 के आसपास हो चुका है, मतलब कि अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पहले 8 के आसपास हुआ करता था, फिर यहां पर 14, फिर 10, फिर यहां पर 20 भी हो गया है, मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। और कंपनी यहां पर पहले डिविडेंड 0 पे करती थी, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो 11% का यहां पर डिविडेंड पे की है। और दोस्तों जो चीज मुझे सबसे अच्छा इस स्टॉक में लगता है वो है इसका रिजर्व, 2010 में देख सकते हैं 4 के आसपास हुआ करता था, और अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों देख सकते हैं अभी अगर करंट में देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं 115 के आसपास हो चुका है, मतलब कि कंपनी का रिजर्व इतना अच्छा खासा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि दोस्तों मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कंपनी का रिजर्व है पहले के मुकाबले, पहले तो 4 हुआ करता था और अभी अगर देखा जाए तो मतलब कि इतना अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा। ओवरऑल दोस्तों इस स्टॉक का फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों इन तीनों स्टॉक का क्या नाम है वो जानने के लिए आप